अरे वाह, अभी बताओ तो का पीछे से कौन पकड़ लिया है? अगर तुम बताई दोगी ना तो हम त्योहार का 10 रसगुल्ला खिलाऊंगा, और अगर ना ही बता पाओगी तो हम त्योहार से गुजिया खा लूंगा। वो कहा है ना, हमको गुजिया बहुत पसंद है, तो का तुम पता ही है ना, चाहे जैसा भी गुजिया हो, चाहे छोटी हो, मोटी हो, नाटी हो, बस गुजिया होना चाहिए, हम पकड़ के खा लेता हूँ। अरे क्या बात है भैया, बहुत फड़फड़ा रही हो, बहुत तड़प रही हो। क्या है ना, हम तड़पाने में बहुत माहिर हो। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है ये, छोड़ो इसे। अरे इका, अरे हम तो ये समझ रहा था ये गुजिया है, जलेबी निकली। अरे हमका ना ही पता था कि तुम ना ही हो, वरना हम इसको ना ही पकड़ता। अरे हमार बात पे यकीन ना ही है तो इससे पूछ लो। अरे बोलो बोलो भैया, हम तो का गुजिया समझ के ही पकड़ा था ना। अरे बोलो ना। अरे तुम तो मेरा मुंह पकड़े थे, वो भी बैग से। मुझे कैसे पता कि कौन है? भैरव तुम ऐसे हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, हम तो तुम्हारे से शादी करना चाहता हूँ। सच? क्या तुम सच कह रहे हो भैरव? कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रही? अरे हम तुम्हारे से मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, हम तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा नाम भैरव है। भैरव, भैरवनाथ हूँ हम। हम जो कहता हूँ वो हम करता हूँ, और जो हम नहीं कहता वो हम बिल्कुल नहीं करता हूँ। वाह, क्या डायलॉग मारा है, ये डायलॉग कहीं सुना हुआ लगता है। अरे सुना हुआ लगता है, क्या बात है, तुहार दिमाग तो बहुत तेज चलता है। इका मतलब ये है कि भैया हम सही लड़की से शादी कर रहा हूँ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम प्यार भी एक बार करते हैं और शादी भी, तो कब कर रहे हो शादी मुझसे? तो हर डायलॉग भी हमका कुछ सुना सुना सा लगता है। कर कौन बात नहीं, शादी तो हम कर ही लूंगा, लेकिन उनके लिए तुम्हार पप्पा से बात करना पड़ेगा। हाँ तो चलो चलो। अरे तो चलो। आइए आइए प्रेम जी बैठिए। आरती बेटी की तबीयत कैसी है? अरे पॉप्स, ये प्रेम जी नहीं है, ये भैरव है, उनके छोटे भाई। ये तो बड़ी अचंभे वाली बात हुई, एक इंसान का चेहरा इतना मिल सकता है, अगर इनकी मूंछें कटवा दी जाए तो इनमें और प्रेम जी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अरे काहे नहीं फर्क रह जाएगा? अरे भैया हम ठहरे गांव के पड़े बड़े हुए, और प्रेम भैया ठहरे शहर के कॉलेज के पढ़े लिखे, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। हा? अरे जौन जौन काम हम कर सकता हूँ वो काम प्रेम भैया ना ही कर सकते हैं, और जो काम प्रेम भैया कर सकते हैं वो काम हम ना ही कर सकते हैं, है ना? पर प्रेम भैया कहाँ शहर में क्रिकेट खेल करके बड़े हुए, और हम ठहरे गांव में कंचा गिल्ली डंडा खेल के पड़े हुए हैं। तो भैया हम में और प्रेम भैया में तो सैकड़ों सारे फर्क हैं। बहू है कि देखने वाला चाहिए। हाँ हाँ भैरव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ वो बात तो बिल्कुल ठीक है, वो कहा है ना, हम बहुत सच्चा और ईमानदार आदमी हूँ, हम हर बात बहुत सच्चे से कहता हूँ। और जौनू लड़की की शादी हमारे साथ होगी, वो लड़की तो धन हो जाएगी भैया, उसका किस्मत खुल जाएगा।
अच्छा अच्छा लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं कि आप अपने पत्नी को खुश रखेंगे? का है कि ना तू हमार होने वाली चोरू के पप्पा जो हो। बैरव तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वो तो अच्छा है कि तुम मेरे मेहमान हो, नहीं तो मैं क्या करता मुझे खुद को पता नहीं है। अरे अरे भड़क काहे के रहे हो भैया बहुबली इंसान। अरे हम ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ, तो हर लड़की गुजिया हमसे प्यार करती है, शादी करना चाहती है भैया। बस भैया हमको तो तुहार आशीर्वाद चाहिए है। गुजिया भी बड़ी हो गई है और इस बैरव को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत शरीफ इंसान है। मुझे प्रेम से पूछकर इनकी शादी का प्रबंधन करना चाहिए, मेरे मना करने पर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हमारी बिरादरी में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, हमारी तो नाक कट जाएगी। क्या सोच रहे हैं ससुर जी? अरे हमसे अच्छा दामाद तो का सात जन्म में ना ही मिलेगा भैया, ये बात समझ लो। ठीक है भैरव, मुझे कुछ समय सोचने के लिए चाहिए। तो ठीक है ससुर जी, हम तो का एक महीने का समय देता हूँ, तुम अच्छे से सोच लो। उका है ना हमको तुहार बेटी के साथ शादी करने का है, अब हम चलता हूँ। जय राम जी का। अरे तुम काहे को खड़ी हो, चलो हमको छोड़ के आओ। ये भैरव तो धमकी भी इतने प्यार से देता है, धमकी भी धमकी नहीं लगती, मानो प्रार्थना कर रहा है। ओए मंगल बच्चा, कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा? तुम्हारे रास्ते में कोई टांग तो नहीं अड़ा रहा? तो बोलो, हम रास्ता आसान कर देंगे। आप रास्ते तो आसान कर देंगे खान भाई, लेकिन हमारे धंधे में कोई भाईचारा नहीं होता है क्या? ये गलत है मंगल बच्चे, हमारे धंधे में ही भाईचारा है। जब तक आप भाई को चारा खिलाते रहेंगे तब तक आप आगे, वरना दो मिनट के अंदर आप कब पीछे हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? हम समझ रहे हैं खान भाई आपकी बात को। अब हमें ये बताइए, हमें बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10-10 लाख रुपए इनाम रखा है तुम दोनों पर। देश के सबसे बड़े मुजरिमों में नाम लिया जाता है तुम दोनों का। अब क्या इंटरनेशनल गैंगस्टर बनना चाहते हो? तुम लोगों के नाम से भाई लोग हफ्ता वसूल करते हैं। किसी भी बिल्डर को तुम्हारे नाम की हुल मिली नहीं कि 50 लाख अंदर। इससे कुछ नहीं होने वाला खान भाई, आपने जैसा कहा है अब हमें वैसे ही करना होगा। हमें अपना काम इंटरनेशनल लेवल पर करना होगा, ऐसी पार्टियों के साथ धंधा करना होगा जिससे हमारी दोनों गलियां खीमे हो और सर कढ़ाई पे। ठीक है बच्चा, जैसा तुम लोगों का मर्जी। जब कोई बाहर से पार्टी आएगा तुम लोग मिला दे। बोलो सलीम, कौन आया? इंस्पेक्टर आकाश आया? कहीं देर ना हो
काम करो, आकाश हमारा बच्चा है, उसे वहां बिठाओ और कुछ ठंडा पिलाओ, 5 मिनट के बाद अंदर भेजना, ठीक है? खान भाई, इंस्पेक्टर आकाश आया हुआ है। हाँ, क्यों? अगर वही इंस्पेक्टर आकाश है तो आज वो अर्थी पे चढ़े बिना वापस नहीं जा सकता। आज मैं उसे यमलोक की सैर करा के रहूंगा। चुप रहो तुम दोनों। आकाश हमारा बच्चा है, हमारा मेहमान है, उसे हमारे अड्डे पे कुछ नहीं होना चाहिए। हम सबको संभाल लेगा, तुम अंदर जाओ, चलो जल्दी जाओ। कैसे बेवकूफ बच्चे हैं, कुछ समझ में नहीं आता, संभालना पड़ता है। आओ आओ आकाश बच्चे, तशरीफ रखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे गरीब खाने में कैसे आना हुआ? खान भाई, आपको कौन नहीं जानता, आप तो गरीबों के मसीहा। बस बस बस, इतनी तारीफ मत करो, हम मसीहा बसिया कुछ नहीं, हम तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, वही रहना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, काम क्या है? खान भाई, मुझे आपसे कुछ जानना है। बोलो। अब देखे जरा, इन दोनों को जानते हैं आप? नहीं आकाश, मैंने कभी देखा नहीं इनको। खान भाई, मुझे पता चला है कि इन दोनों को आपने ही पना दी है, क्या सच है? आपको आपके अल्लाह का वास्ता है, आप सच बताइएगा। अल्लाह का बात, क्या बात कर रहे हो? खान भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आपने 2 बार मेरी जिंदगी बचाई है, और उतनी इज्जत मैं कानून की भी करता हूं, और कानून की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। इन दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आकाश, तुम जो भी करना चाहता है ना, करो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। जैसे भी इनको निपटाना चाहते हो, निपटाओ जाकर, हम कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है खान भाई, खुदा हाफिज, चलता हूं मैं। खुदा। मामला बड़ा पेचीदा है, कुछ करना पड़ेगा। मंगल बच्चे, बाहर आ जाओ। खान भाई, आपने हमको धोखा दिया है, आपने कभी नहीं बताया कि आप इंस्पेक्टर आकाश को जानते हैं, और 2 बार आपने उसकी जान भी बचाई है। मंगल बच्चा, हमने उसका जान बचाया था, 2 बार जान बचाया था, पर बहुत पुराना बात है बच्चा, हम पठान है, पठान किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता, वो भी दुखी था उस वक्त।
ठीक है खान भाई, हम समझ गए। लेकिन जब भी आकाश और हमारा आमना सामना होगा, उस दिन आर या पार की लड़ाई होगी। उस दिन हम रहेंगे या आकाश। एक बात ज़हन में रखना, ये पठान बाबा खान हर वक्त तुम लोगों के साथ है। ठीक है, जाओ। खुदा 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 साहब। नादान है बच्चे, बहुत कुछ सीखना है उन्हें। ये बाबा खान सब सिखा देगा, सारी बातें, सारे राज सब। हे मां, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कौन किस रास्ते पे जा रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ होने पर कोई कुछ नहीं कहता, और कुछ ना होने पर सभी कहने लगते हैं। मां, ये हमारे घर में कैसी बुरी साया पड़ी है। मुझे तो लगता है ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे ही किसी जानने वालों में से है। मां, पता नहीं कि इतनी बड़ी जाल किसने फैलाई है। हमारी रक्षा करो मां, हमारी रक्षा करो। बड़ी बहू, ये लो अपना मोबाइल। जानती हो बड़ी बहू, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में एक नकारात्मक ऊर्जा है। अपने ही घर में मुझे बहुत डर लगने लगता है बड़ी बहू। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं चल रहा हूं और मेरे आगे पीछे कोई और भी चल रहा हो। बाबूजी, तांत्रिक बाबा ने जैसा बताया था वैसे तो हम लोगों ने कर दिया था। हवन पर काफी खर्चा हुआ था बाबूजी, मुझे खर्चे की कोई चिंता नहीं है। मुझे तो बस चिंता है प्रेम और आरती की। वहां फार्म हाउस पर न जाने वो लोग किन मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे। जिस तरह से हम लोग उनके बगैर नहीं जी पा रहे हैं, वैसे ही शायद वो लोग भी हमारे बगैर नहीं जी पा रहे होंगे ना बाबूजी। बाबूजी। अच्छा बहू, तुम बात करो, मैं चलता हूं। हेलो भैरव बेटा, बोलो क्या बात है? बात तो है ही अम्मा, ये बताइए कि वो जड़ी बूटी जो हम आपको दिए थे वो सब घर वालों को पिला दिए कि नहीं? हाँ बेटा, तुम्हारी दी हुई जड़ी बूटी मैंने पानी में मिलाकर सभी घर वालों को पिला दिया है। लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ।